बात कर रहे हैं गन्ने में होने वाला रोग जो होता है पायरिला परसुला, एक पेस्ट होता है, एक पीड़क होता है जिससे गन्ने में बीमारी होती है और उसके कारण गन्ने की फसल खराब हो जाती है। उस पेस्ट का नाम है पायरिला परसुला। अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली लोफोडी और जीनस पायरिला परसुला। पायरिला परसुला की पहचान करने के लिए हम बोल सकते हैं कि हल्का भूरा पीला मुलायम शरीर वाला कीट है जिसका सिर थूथन बनाने के लिए प्रमुख रूप से आगे की ओर खींचा जाता है, नर पंख द्वारा फैलाव करता है जो कि 16 से 18 मिलीमीटर तक और मादा 19 से 21 मिलीमीटर तक ये साइज में होती है। ये देखिए, ये है पेस्ट या पायरिला परसुला इंसेक्ट है जो गन्ने की फसल शुगर केन को खराब करता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो मादाओं में रजिस्टर धागे होते हैं जिन्हें गूदा पैड कहा जाता है, जो टर्मिनल खंड में बंडलों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। आगे के पंख प्रकृति में और पारदर्शी भूरे रंग के होते हैं और पिछले जो काले धब्बे से ढके हुए होते हैं। व्यस्त शिशु दोनों बहुत से सक्रिय होते हैं और गन्ने की पत्तियों को रस चूसते हैं, जरा सी गड़बड़ी पर वह एक पत्ते से दूसरी पत्ती पर कूद जाते हैं। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो फीमेल एक बार में पायरिला परसुला एक बार में 600 से 800 अंडे देती हैं। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो ये लाइफ साइकिल से एडल्ट फीमेल एक बार में से 600 से 800 अंडे देती है और वो अंडे फिर निम्फ में डेवलप होते हैं और निम्फ धीरे धीरे उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सेवरल स्टेजेस ऑफ निम्फ इन स्टार चेंजेस होकर वापस वो एडल्ट में बदल जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस हैं कि इंस्टार से अप्सरा तक, फिर द्वितीय इंस्टार से अप्सरा तक और फिर तृतीय इंस्टार से अप्सरा तक, चतुर्थ इंस्टार से और फिफ्थ इंस्टार से। तो ये अलग अलग बताया गया है कि उसके जो डिवीजन होते हैं वो कैसे करते हैं, उस टाइप में बताया गया है। फिर अगर हम आगे और बात करें तो जो इसका एडल्ट होता है वो गलने के तुरंत बाद सफ़ेद रंग के हो जाते हैं और धीरे धीरे, लेकिन बाद में उनका रंग धीरे 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 धूसर भूरा हो जाता है, आंखें हल्की हरी हो जाती है और सिर पीछे की ओर काले धब्बे थूथन में विकसित होता है, अग्रभाग असंख्य छोटे छोटे काले धब्बों में व्यवस्थित हो जाता है। इसके कारण जो गन्ने की फसल होती है, अगर हम बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा के लिए अगर बात करें तो हम बता सकते हैं कि भारत में धीरे 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 ये कीड़े बहुत सारी जगह पर पाए जाते हैं। पत्तियां पीली हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है और सूख जाती है, जिसके कारण जो गन्ने की पैदावार है वो कम हो जाती है। रस चूसने के कारण जो गन्ना है वो कमजोर हो जाता है और उसमें सुक्रोज की 50% मात्रा कम हो जाती है। गन्ने का मीठापन कम हो जाता है, उसका हनीड्यूस कम हो जाता है, साथ ही साथ कैनोडियम एसपी में त्वरित विकास को बढ़ावा देता है और काली फफूंद दो पत्तियों को बुरी तरह से ढक जाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। तो इसके लिए नियंत्रण के लिए उपाय क्या करेंगे, पायरिला महामारी के दौरान निम्नलिखित कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, फेरियन 560 मिलीमीटर, मेलिथियन 500 मिलीमीटर, फॉस्फोडियन 250 से 300 मिलीमीटर, मैक्रोकास 1250 मिलीमीटर और एल्डोसल्फोन 750। ये हम यूज करके गन्ने की फसल को बता सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि जो गन्ने की फसल उसमें जो लगने वाला पेस्ट जो कीड़ा है वो है पायरिला परसुला। मैंने उसकी लाइफ साइकिल और उसके विस्तार के बारे में बात की। धन्यवाद।